नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर हम आज देखेंगे 46। इसके पहले मैं 45 मॉडल पेपर बना चुका हूं। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऊपर आई का बटन दिया हुआ है। जितने भी वीडियो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत आए हैं यहाँ पर आई के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे कंप्लीट प्लेलिस्ट खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर भी पूरे हमारे सारे वीडियो एक से लगा के 45 तक देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा 46 नंबर का वीडियो हम शुरू करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस का मॉडल पेपर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले बता दूं कि ये वही प्रश्न है जो 2018 के ग्रुप डी एलपी आरपीएफ और 2015-16 के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे, मतलब रेलवे की परीक्षाओं में 4 से 5 सालों में यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स अपना अपना आरआरबी जोन का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि आखिरी में आपको यह भी बताना है कि आपको 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे, मतलब आपको कितने मार्क्स आए हैं, 30-32 जितने भी आए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेंगे। इसलिए अपने आरआरबी जोन का नाम और आपको 40 में से कितने मार्क्स आए आखिरी में जरूर लिखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर देते रहिएगा। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है। आपको बताना है जो कंकाल की मांसपेशियाँ होती है उनकी अनुमानित संख्या कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियां 206 होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बतानी है, मांसपेशियों की संख्या बतानी है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 700। कितनी होती है? 700 होती है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर हड्डियाँ नहीं पूछी है। हड्डियाँ अगर पूछता तो 206 होती है, मनुष्य के शरीर में हड्डियाँ 206 होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है मांसपेशियों की अनुमानित संख्या, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 700। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पूंजी। पूंजी जो होता है जो उत्पादन का सबसे गतिशील कारक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है। आपको बताना है ये जूट होता है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। जो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर किन सदियों के बीच बनाया गया। आपको बताना है कि किस सन के बीच जो एलोरा के 34 गुफाओं के मंदिर है वो कब बनाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच बनाए गए। कब बनाए गए हैं वो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे। आपको बताना जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है उसके लेखक कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जल्दी से सभी स्टूडेंट्स फटाफट एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये तीनों व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जरूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में जहाँ पर आप स्टडी करते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक लाइक सभी स्टूडेंट कर दीजिए। और जो स्टूडेंट नया है मैं उनसे फिर से कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण ही दूध खट्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी। आपको बताना है कि जब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था तो उस समय उसकी राजधानी क्या बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुरनूल। क्या बनाई गई थी? कुरनूल को राजधानी बनाया गया था आंध्र प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूरी भारत से। आपको बताना है कि इन नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूरी भारत से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य है जो कि पूरी भारत से संबंध रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है। आपको बताना है जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पे स्थित है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अंडमान। कहाँ पे स्थित है पोर्ट ब्लेयर? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी। 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवती व्यास से कितना कम है। आपको बताना है कि जो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होता है वो उसके विषुवती व्यास से कितना कम है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 43 किलोमीटर। कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना जो विरूपाक्ष का मंदिर है वह कहाँ पे स्थित है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हम्पी। कहाँ पे स्थित है? हम्पी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है। आपको बताना जो साइलेंट वैली जिसे हम मूक घाटी भी कहते हैं किस राज्य में स्थित है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा चीनी कहाँ पे उत्पादित होती है, तो उसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। किसको कहा जाता है, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, आपको बताना है कि किस नदी पर निर्मित है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी पर। कहां पे स्थित है, किस नदी पर बनाया गया है, बेतवा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह है, मतलब प्राकृतिक उपग्रह या फिर उसको हम कहते हैं चंद्र है, तो उसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर है बृहस्पति ग्रह। किसके हैं सबसे ज्यादा, बृहस्पति ग्रह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, आपको बताना जो 1857 है उसमें किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। किसने बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, आपको बताना जो मुगल काल था उसकी राजभाषा इनमें से कौन सी थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फारसी। कौन सी भाषा थी, फारसी भाषा थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए, आपको उस बैंक का नाम बताना है, तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उन्होंने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 36 से 45 डिग्री का कोण बनाकर अगर मारे तो सबसे अधिकतम दूरी तक जाती है क्रिकेट की गेंद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था, आपको बंगाल के शासक का नाम बताना है। जब राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान चलाया गया था उसमें बंगाल के शासक कौन थे, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महिपाल वन। कौन था, महिपाल वन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, आपको बताना है जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उससे क्या मापा जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध। क्या मापा जाता है, उससे प्रतिरोध मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में, आपको बताना है कि जो हम्पी का खुला संग्रहालय है वो किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई है, आपको उस राज्य का नाम बताना जिसके सबसे ज्यादा निवासी ईसाई है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। मणिपुर ऐसा राज्य है जिसके सबसे ज्यादा निवासी ईसाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना कि प्रवासी भारतीय दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, आपको बताना कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला क्षेत्रों से। कोयला क्षेत्रों से संबंध है रानीगंज का, कहाँ पे ये, पश्चिम बंगाल में स्थित है, सबसे ज्यादा कोयला यहाँ पे पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्जन। कौन है, कर्जन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था, आपको बताना जो देव समाज था उसका संस्थापक इनमें से कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शिवनारायण अग्निहोत्री। कौन थे, शिवनारायण अग्निहोत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, आपको बताना जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शक संवत। किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे, आपको बताना जो होम्योपैथी है उसके संस्थापक इनमें से कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइनेमैन। कौन है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, हाइनेमैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ, आपको बताना कि सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था, किस सन में हुआ था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी में। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, जब कोई सरकार पुरानी मुद्रा को खत्म कर देती, जैसे कि अभी हमारे नोट खत्म हो गए थे 500,000 के और फिर इसकी जगह नए नोट चलाए गए थे, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विमुद्रीकरण, उसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, आपको बताना कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे स्थित थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मदुरै। कहाँ पे स्थित थी, मदुरै में स्थित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, आपको बताना है कि जो अल्पविकसित देश होते हैं उसमें गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है, तो उसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आय में असमानता। जब आय में बहुत ज्यादा असमानता होती है तो जो अल्पविकसित देश होते हैं उनमें गरीबी का मुख्य कारण यही होता है।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सारंगी, जबकि सितार, तबला, शहनाई ये सभी इंडो इस्लामिक उत्पत्ति के की श्रेणी में आते हैं और सारंगी नहीं आता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? आपको उस राज्य का नाम बताएं जहां पर फतेहपुर सिकरी स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश। कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? आपको बताना कि जो मानव जाति का वर्गीकरण होता है उसे हम जो वर्गीकरण करते हैं तो उसमें से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कान का। देखिए आंख का भी प्रयोग होता है, नाक का भी प्रयोग होता है, बाल का भी प्रयोग होता है, जबकि कान का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका सही तो ऑप्शन नंबर बी कान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ पे स्थित है? आपको जगह का नाम बताना जहाँ पर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गणित में नहीं दिया जाता, जबकि देखिए भौतिक में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, जबकि गणित में नहीं दिया जाता। तो दोस्तों आज मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी जीकेजीएस का मॉडल पेपर नंबर 46 बताया है। आपको 40 में से कितने मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, कितने क्वेश्चंस के आपका आंसर पता था जितने भी आए हो बताइएगा, और अपने आरआरबी जोन का नाम जरूर लिख दीजिए जिससे हमको यह पता पड़ जाएगा कि किस जोन में कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो दोस्तों आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट नया आए मैं उनसे फिर से यही कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।